10-20 बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एक का तो पेट ही पूरा मोटा है पूरा पता नहीं कितना मोटा कुछ खा रखा आपका नाम क्या शुभम चलते वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में शिव जी के बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनकी हिस्ट्री महाभारत और रामायण से जुड़ी हुई है लेकिन तपकेश्वर महादेव देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 6000 साल पुराना यह मंदिर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बना हुआ है और अभी रिसेंटली मैं यहाँ पहली बार गया था, उससे पहले मैं कभी नहीं गया था। मैंने नाम बहुत सुना था इसका और इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस पर पहले दूध की जो है धारा गिरा करती थी और अब जो है उस पर पानी टपकता है। इसी टपक शब्द से जो है इस मंदिर का नाम भी पड़ा है जो है टपकेश्वर। तो टपक का मतलब ये होता है जो बूंद बूंद करके पानी गिरता है उसको हम टपकना कहते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे पूरी हिस्ट्री मंदिर की, क्या महत्व है इसका, कैसी मान्यता है और कैसे पहुंचना है आपको यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लोकेशन की अगर बात करें तो गढ़ी के एंड में है ये मंदिर और देहरादून ISBT से 9 किलोमीटर और घंटाघर से 6 किलोमीटर। बल्लूपुर से अगर आप मतलब बल्लूपुर चौक की साइड से अगर आप आ रहे होगे तो गढ़ी के एंड की तरफ आपको मुड़ना है और फिर बिल्कुल सीधे चलते रहना है, गढ़ी चौक से लेना है लेफ्ट। वहीं पे थोड़ा सा आगे चल के आपको एक बड़ा सा गेट दिख जाएगा और आप मानोगे नहीं, शिवरात्रि पे यहाँ तक लाइन लगी हुई थी। यहाँ से अंदर जो है वाहन कोई भी व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं होता है और जल चढ़ाने के लिए इतनी भीड़ लगी होती है। तो उसको फॉलो करते रहना आप अंदर। आप जैसे जाओगे ना थोड़ा सा अंदर चल के और एक टपकेश्वर महादेव का बोर्ड दिखाई देगा, फिर आपको अंदर बोर्ड दिखते रहेंगे, उनको फॉलो करते रहना और दो राइड लेके आप पहुंच जाओगे टपकेश्वर महादेव। दो पार्किंग है, वैसे गाड़ी की पार्किंग अलग है, मैंने तो बाइक ही पार्क कर दी थी क्योंकि दुकान के बाहर मतलब दुकान बंद थी तो दुकान के बाहर ही लगा दी। अब यहाँ से जाना है पैदल, तो अगर आपके पास गाड़ी है तो जूते वगैरह उसी में रख देना, नहीं तो अंदर भी जूते वगैरह की जो है सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से लेफ्ट साइड में है पार्किंग और बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे राइट में है मंदिर का गेट। बाहर यहाँ पे आपको प्रसाद जल और बाकी सारा सामान लेने की शॉप मिल जाएंगी, थोड़े कैफे वगैरह भी बने हुए ऐसे खाने पीने के लिए और यहाँ पे भंडारा भी चलता रहता है, वैसे फिलहाल तो नहीं चल रहा था। नीचे जाने के लिए बहुत सारी लंबी लंबी सीढ़ियां हैं यहाँ पे और नीचे ही आपको यहाँ पे जूते चप्पल रखने का काउंटर भी मिल जाएगा और ऐसे यहाँ पे कोई चार देंगे जूते चप्पल रखने का, बस आप अपनी मर्जी से सेवा दे सकते हो। जूतों के साथ मैंने अपना हेलमेट भी रख दिया था, नहीं तो थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता और साथ में उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। वैसे लास्ट टाइम जब मैं मंडे को आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी, जबकि मंडे को ज्यादा भीड़ होती है। ये जो है मेन एंट्रेंस है, यहाँ से इधर को जाते हैं और ये नीचे उतरने का रास्ता है। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अभी इतना तेज बहाव आया था मतलब ऑलमोस्ट यहाँ यहाँ तक पानी था, इस साइड तक जिस साइड तक मैं हाथ दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। तो ये पुल बना हुआ था, ये बाद में बना था पुल, ये पहले नहीं था। तो ये पुल उस बारिश में मतलब जो भी आ रहा था उसमें टूट गया था, पूरा उधर तक बना हुआ था ये। हम चलते हैं फिलहाल ऊपर की तरफ। पहले हम गए जहाँ पे मेन शिवलिंग है और यहाँ पे एक गेट सा भी बना हुआ था। तो जो शिवलिंग है वो खुद ही बना है यहाँ पे, वो मैन मेड नहीं है, वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो यहाँ पे कैसे बना था। थोड़ा सा अंदर चलते ही आपको भैरव बाबा का मंदिर दिखेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नमन किया और बड़े आगे की तरफ। इसके अंदर चल के अब सारी गुफाएं बनी हुई है, ये जो व्हाइट व्हाइट यहाँ पे पेंट भी हो रखा है, अब तो इनको थोड़ा सा कवर अप कर दिया लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल गुफाएं बनी हुई है। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मुझे इस जगह का, मतलब कि ये कैसे कितने टाइम तक यहाँ पे पानी बहा होगा और फिर पानी के हिसाब से ये जगह कटी होगी और कितने ऊपर तक पानी चलता होगा कि यहाँ तक ये चीजें जो है कटी हुई है। और ये गुफाएं भी जो है इतनी सारी बनी हुई है अंदर तक। अंदर जाके जहाँ पे शिवलिंग था वहाँ पे कई जगह गुफा की छत से पानी टपक रहा था तो लोग उसको छू छू के देख रहे थे। यहाँ से आगे निकल के गणेश जी की एक मूर्ति थी, उस पर सिक्के लगाए हुए थे। अब मैंने ऐसा सुना भी है कि इस पे ऐसे सिक्का लगा दो और वो टिक जाए तो आपने जो मांगा होता है वो मिल जाता है। मेरे पास तो सिक्का था नहीं तो मैंने तो लगाया नहीं। अब चले आगे की तरफ, तो यहाँ पे देवी देवताओं के और जो है मंदिर बने हुए थे। यहाँ से थोड़ा और अंदर जाके एक छोटी सी और गुफा बनी हुई है, वहाँ पे यहाँ के जो मेन पंडित जी है उनका एक स्थान सा बना हुआ है, वहाँ पे जाके उनसे आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया और टीका वीका लगवाया। फिर यहाँ से बाहर निकल के तो मैं बिल्कुल पसीने में तर हो चुका था क्योंकि एक तो मैंने ये डेनिम जैकेट पहन ली थी और मुझे इतना मतलब वो नहीं था, आइडिया नहीं था कि नीचे इतनी गर्मी होगी। वैसे बाहर के हिसाब से तो यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा था, बहुत सारे लोग थे तो यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। फिर यहाँ से जो है एक रास्ता नीचे की तरफ जाने के लिए बना हुआ है और यहाँ से आप नदी में भी जा सकते हो। इस नदी का नाम है तौस। और मंदिर की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का निवास माना जाता है। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे लेकिन जन्म के बाद ही उनकी माँ उनको दूध नहीं पिला पा रही थी। अश्वत्थामा ने शिवजी से प्रार्थना की और उन्होंने गुफा की छत पे ही
गाय के थन बना दिए और उससे दूध की जो है एक धारा बहने लगी, जिससे अश्वत्थामा जी की जो है भूख मिटी। पर जैसे मतलब मानते हैं कि कलयुग आया तो वो जो दूध की धारा थी वो पानी में बदल गई, पर वो जो दूध की धारा बहती थी उसी से भोलेनाथ का एक नाम पड़ा दूधेश्वर। इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य ने 12 साल शिव जी की तपस्या भी करी थी और तब जाके शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और साथ में अस्त्र शस्त्र और धनु विद्या का ज्ञान भी दिया था, और उनके रिक्वेस्ट करने पे ही भोलेनाथ जो है यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। मान्यता की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाने से भोले के भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तब यहाँ मेला भी लगता है और बहुत भीड़ लगी होती है। सावन के महीने में तो जल चढ़ाने के लिए अच्छी खासी यहाँ पे लाइन लगी हुई होती है। अभी शिवरात्रि के टाइम पे भी बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, पर उसमें मैं जा नहीं पाया। काफी बार सोचा मैंने लेकिन मौका लग ही नहीं पाया। ये मंदिर वैसे जिस तरह से बना हुआ है तो नेचुरल और मैनमेड जो कॉम्बिनेशन है आर्किटेक्चर का, इतना परफेक्ट है वो। यहाँ पे दो पहाड़ियों के बीच में से नदी निकल रही है और दोनों साइड बना हुआ है हनुमान जी की इतनी बड़ी सी मूर्ति भी है। पुल पार करके वैष्णो माता का मंदिर आता है और मंदिर में एक गुफा भी है, उस गुफा के अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो काफी लोग तो यहाँ पे डर भी रहे थे, मतलब क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है, वो ऐसे जाते जाते और छोटा होता रहता है, पर वो दूसरी साइड से बाहर भी निकल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। पर वो ये जिसको डर लगता है वो तो लगता ही है, पर यहाँ पे कुछ लोग अपना परिचय भी दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के, पर वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने लगाया माँ का जयकारा और निकले बाहर की तरफ। अब यहाँ से ऊपर जाके एक और शिवलिंग है और मंदिर सा बना हुआ है और गुफाएं भी बनी हुई है, इसके अंदर जाना वैसे मना था तो मैं गया भी नहीं। ऊपर जाके हमने और प्रसाद लिया और आज के लिए बहुत सारा प्रसाद हो गया। फिर यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो बिल्कुल सामने आपको हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति दिखेगी, और अब हम इस साइड आ गए तो यहाँ पे मुझे दिखे नाग देवता। तो वैसे पास में बिल्कुल मतलब बच्चे भी नहा रहे थे और लोग भी बैठे हुए थे, तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आया, पर वो ये इनको भी आदत पड़ गई होगी और लोगों को भी आदत पड़ गई होगी, ये लोगों को परेशान नहीं करते होंगे और लोग इन्हें परेशान नहीं करते होंगे। वैसे हो सकता है कि ये पानी वाले सांप भी हो और जहरीले ना होते हो, पर फिर भी क्यों ये रिस्क लेना है, मैं तो पानी में गया नहीं। पर इसका जवाब जो है मुझे बाहर मिले दो बच्चों से मिला, उन्होंने बताया मुझे। हाँ, वीडियो बनाने लग गया था आज यार से, तो प्रेशर ना है, बहुत गर्मी हो रही है आज। हां गर्मी बहुत हो रही है आज, मतलब हम तो आ गए हम दोनों। आप यहीं रहते हो आसपास में? नहीं तो हम तो बहुत दूर में रहते हैं। तो दूर से कैसे आए, लिफ्ट मांग मांग के? चलो अच्छा, ठंडे पानी से आए ना है। नहीं तो यहां इतने सांप बाप रहते हैं, इनसे डर नहीं लगता तुम्हें? हां नहीं नहीं लगता। अरे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े इंचे सांप है, हम नहीं डरते उनसे। अच्छा, कभी कभी तो हम उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं। कांटी का सांप है तो कुछ कहते नहीं है सांप है? नहीं, जो उन्हें परेशान करेगा उन्हें कुछ कहते हैं? हमें नहीं करता कुछ, आंटी का कहने पे हमें नहीं करता वो। अच्छा आंटी के हैं सारे? हाँ वो सारे जितने सांप है ना वो आंटी के। 10-20 सांप है। 10-20 बड़े बड़े? बहुत बड़े बड़े, एक का तो पेट ही पूरा मोटा है, पूरा पता नहीं कितना मोटा कुछ खा रखा। आपका नाम क्या? शुभम जतिन। और आपका? मेरा नाम जतिन है, जतिन राठी। चलो अच्छा लगा आपसे मिल के, दोबारा मिलेंगे। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। मंदिर से वापस आते हुए मुझे दिखी ये डॉट चैलेंजर, और भाई साहब मतलब मेरा तो दिल ही खुश हो गया था, ऐसा लग रहा था मंदिर जाना सफल हो गया। तो हो सकता है अगला रिव्यू इसी गाड़ी का है हमारे चैनल पे, तो इट्स स्टे ट्यून्ड। दोस्तों ये था आज की वीडियो के लिए, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जगह के साथ।